क्या तुम मेरी सीट पे बैठोगे एड्रियन? मुझे नीनू से बात करनी है। श्योर। रोज, क्या बात? कुछ चाहिए लैला? एक्चुअली मुझे उल्टी जैसा हो रहा था और मैरिनेट के पास हमेशा हर परेशानी का इलाज होता है। समझ गई, पर अभी वो सो गई है और तुम देख सकती हो कि वो कितनी थक गई है। तो मैं मदद कर देती हूँ लैला, तुम्हें जो चाहिए मेरे सूटकेस में है। बहुत बहुत शुक्रिया सबरीना, तुम कितनी अच्छी हो। मैरिनेट अंदर क्यों नहीं आ रही, क्या हुआ? एड्रियन, I'm sorry, हम एक दूसरे के लायक नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो, हम बिल्कुल लायक है, हम प्यार करते हैं। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बिल्कुल नहीं। मैरिनेट, मुझे जाने दो, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। I love her. सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है सर। मैंने किसी को इतना मायूस कभी नहीं देखा। मैरिनेट डुपैन चैंग मेरा असली मास्टरपीस होगा। उड़ जाओ मेरे नन्हे अकुमा और इस टूटे दिल को अकुमेटाइज कर दो। मुझे जाने दो प्लीज। तुम अकुमेटाइज होने वाली थी और कोई चारा नहीं था। माय लेडी, पर तुम्हें कैसे पता चला? हमें तो हमारी पहचान को राज रखना था ना। सब ठीक हो जाएगा, ओके? यकीन। नाटली, वो एड्रियन है, आपका बेटा। वो वही कैट नोआर है। कैट नोआर, मेरा अपना बेटा। अब जल्द ही मिराकलस मेरा होगा। अरे आप, स्वागत कीजिए शहर के नए बैंड का किडी सेक्शन। लुका, तुमने अकुमेटाइज होकर मुझसे जो कुछ भी कहा, क्या वो सच था? माफ करना मैरिनेट, पर मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या कहा था मैंने? कुछ भी नहीं कहा था। तुम हॉक मौत के अकुमा के काबू में थे। मुझे याद तो नहीं कि मैंने तुमसे क्या कहा था, पर उम्मीद है मैंने तुम्हारा दिल ना दुखाया हो, क्योंकि तुम एक बहुत स्पेशल लड़की हो मैरिनेट। म्यूजिकल नोट की तरह साफ और मेलोडी जैसी ब्यूटीफुल। हम जब पहली बार मिले थे तब से लेके अब तक मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल रहता है। ये प्यार का इजहार ही था, है ना टीकी? ऐसा प्यारा इजहार मैंने कभी नहीं सुना। मुझे पसंद है यूनिकॉर्न्स, दिल को और कोई ना भाए। मुझे पसंद है यूनिकॉर्न्स, दिल को और कोई ना भाए। मैं हूँ सुपर कूल, मैं हूँ सुपर कूल। ये देखो प्लैग, ये तुम क्या कर रहे हो? उसे नहीं बताऊंगा कि मैं असली हूँ। यह तो बस एक स्टैचू है, मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? वाव, कितना असली लग रहा है। वैक्स तो असली स्किन की तरह गर्म है। इसकी महक भी एड्रियन जैसी है। ओह, एड्रियन के खूबसूरत स्टैचू, तुम्हारा वैक्स कितना मुलायम है और ये नकली बाल भी कितने सिल्की हैं। तुम्हारी आंखें एकदम ग्रीन। काश मैं भी एक स्टैचू होती, सब कुछ कितना आसान हो जाता ना। किस्मत के प्लास्टर से हम दोनों एक सांचे में क्यों नहीं ढल गए? मार्बल से मार्बल, वैक्स से वैक्स, हमेशा के लिए लिपटे हुए, जुड़े हुए।
ये तो बहुत ही लंबा समय हो जाएगा। I'm sorry, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा नहीं था, बहुत गंदा मजाक था। I'm sorry, तुम सबके साथ इतने महीने बिताने के बाद भी मैं एक अच्छा फ्रेंड नहीं बन पाया। तुम जब स्टैचू से बात कर रही थी तब सच कह रही थी? I mean, मैं जब स्टैचू बना तब? सच? मैं? मजाक मत करो, वो शरारत थी। मुझे पता था तुम शरारत कर रहे हो, इसलिए मैं भी बदला ले रही थी। यानी तुम जो भी कह रही थी वो दिल से नहीं कह रही थी? बिल्कुल नहीं, वो रोल प्ले था। मैं स्टैचू से प्यार कर रही थी, तुमसे नहीं। तुम्हारे लिए फीलिंग्स होंगी तो स्टैचू जैसी नहीं होंगी, बल्कि किसी आम इंसान वाली होंगी। ओके, तो मैं इंसान हूँ इसलिए तुम मुझे थोड़ा सा पसंद करती हो, सही कह रहा हूँ ना? सही कहा, मैं तुम्हें थोड़ा सा पसंद करती हूँ, एक आम इंसान की तरह। कोई मुझे जल्दी से एक स्टैचू बना दो प्लीज। वाओ, तो विलन ये दोनों बच्चे थे, तो अब इनका क्या करें हम? अब मेरा दूसरा पावर इस्तेमाल करेंगे, जिससे सब कुछ बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसे पहले था। रुको, क्या हमें ये सब बाद में याद रहेगा? एक्चुअली मेरा मिराकुलस सब कुछ रिवर्स कर देता है, तो शायद नहीं याद रहेगा। तो ठीक है, अगर इजाजत हो माय लेडी। गाइस, तुमने ओब्लिवियन नाम के सुपर विलन को कहीं देखा है क्या? तुम उसे हरा चुके हो डूड। एक्चुअली वो हम थे। ओके, कर दिखाया। तुम्हें नहीं लगता हम एक अच्छे कपल हैं? वरना हम फिर से ना जीतते जैसे हमेशा जीतते हैं। हम एक टीम है, कपल नहीं। फिर से वही बातें मत करो, मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि मुझे कोई और पसंद है। और वैसे भी तुम्हारे इस चार्मिंग कैट वाले बिहेवियर से ही हमारा ध्यान भटका और हम इस मुसीबत में फंसे। हाँ हाँ, जितना चाहे हंस लो। हे, ये क्या कर रहे हो? ये सपने देखा? बहुत बुरा हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो एक बात होता है, हम बहुत अच्छे कपल बन सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए बने हैं माय लेडी, बस तुम्हें ही नजर नहीं आ रहा। ये बहस अभी खत्म नहीं हुई है। उलझन हुई खत्म क्योंकि इस न्यूज में है दम। एस्ट्रोनॉट्स ने कंफर्म किया है कि हमारा प्लैनेट अपनी एक्सिस से हिल गया है और सूर्य से दूर जा रहा है। स्टॉर्मी वेदर पिछली बार से ज्यादा ताकतवर लग रही है, और ये सब इस बदमाश क्लोई की वजह से। काश सब कुछ पहले की तरह अच्छा हो जाता, हॉक मौत और उन विलेन से पहले था वैसा। मतलब हम मिलने से पहले? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। सोचकर अजीब लगता है, लेकिन अगर हॉक मौत ना होता तो हम दोनों इस वक्त साथ में ना होते। एक्चुअली हम लेडीबग की वजह से मिले हैं। यही रहो, सेफ रहोगे। हाँ, और हम दोनों सुपर हीरोज भी बने उसी की वजह से। रीना रूज और कैरापेस, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम रीना रूज हो? ऑफ कोर्स मैं हूँ। ट्रिक्स, लेट्स बाउंस। क्या बात है, बेस चलो। मुझे पहले से ही शक था कि तुम कैरापेस हो। यानी मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकता? तुम्हारा झूठ हमेशा पकड़ा जाता है। बच्चों घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगी। एक बात पक्की है, हम कहीं नहीं जाने वाले। हम काफी दूर आ गए हैं। तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे नाराज नहीं होंगे? पर हर रोज तो हमें उनकी उम्मीदों से छुटकारा पाने का मौका नहीं मिलता। अब हम क्या करें? मेरा नाम है आंद्रे, आंद्रे ग्लासिया मेरा नाम। आंद्रे से आइसक्रीम लेते हैं। आंद्रे स्वीटहार्ट्स का आइसक्रीम वाला है, कहते हैं जो दो लोग उसकी आइसक्रीम शेयर करते हैं वो प्यार में खो जाते हैं। मुझे ऐसी बातों पर यकीन नहीं, लेकिन मुझे आइसक्रीम पसंद है।
इन दोनों के लिए कौन सा फ्लेवर? ऑरेंज और पेपरमिंट, ऐसी जोड़ी जो हमेशा कामयाब रहे, इसमें कोई गड़बड़ी ना हो सके। और तुम दोनों के लिए ब्लैकबेरी और पेपरमिंट, एक धमाकेदार जोड़ी। अजीब जरूर है, ज्यादा लोग खाते नहीं, पर तुम्हारे लिए है सही। ऑरेंज और ब्लैकबेरी अटपटी है जोड़ी, पर तुम्हारे लिए है बिल्कुल सही। तुम्हें कौन सी दूं? तुम बताओ, मुझे वैसे भी उसकी बातें समझ में नहीं आ रही है। हाँ, तुम चूज करो, तुम पर भरोसा है। क्या हम तीनों के लिए कोई आइसक्रीम है? क्यों नहीं, पर ज्यादा फ्लेवर्स होने से इसका नाजुक बैलेंस गड़बड़ा सकता है। पता नहीं, ब्लैकबेरी और पेपरमिंट इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं लगता। अगर मिंट को बेरी बोरिंग लगे और उसे ऑरेंज पसंद हो तो। और ये सच है कि ऑरेंज और पेपरमिंट साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ऑरेंज और ब्लैकबेरी कहीं से भी मैच नहीं होते। देखिए, शायद आपने पहले जो फ्लेवर्स बताए थे वही सही थे। ऑरेंज और पेपरमिंट आइसक्रीम मेरे दोस्तों के लिए। पक्का ना मैरिनेट? मैं पैलेस वापस जा रही हूँ, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कॉकटेल अम्ब्रेलास ले जाने हैं। हम भी साथ चलते हैं। नहीं नहीं, रहने दो, तुम आइसक्रीम का मजा लो, सीरियसली। मैरिनेट कहाँ है? चली गई। असली तोहफा तो खुद जिंदगी है। ठीक हो तुम? तो वो ट्यून कहाँ तक पहुँची? क्या तुम मुझे सुनाओगे? तुम वाकई वो ट्यून सुनना चाहती हो?